तो गाइस यार आज तुम्हारे भाई का है एकदम मस्त वाला दिन, क्योंकि तुम्हारे भाई ने खोलिए एकदम ब्रांड न्यू शॉप। तो गाइस यार तुम्हारे भाई ने बीच पर खोलिए ये ब्रांड न्यू शॉप। तो गाइस यार तुम्हारे भाई ने खोली असल में चिकन शॉप। तुम लोगों को पता है यार लोगों को चिकन खाना कितना ज्यादा पसंद है, और KFC का तो खासकर बहुत ज्यादा पसंद है लोगों को खाना। तो गाइस यार तुम्हारा भाई KFC की डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा बिल्कुल अपने ढाबे के ऊपर, समझ रहे हो ना। और गाइस यार KFC का अगर 100 रुपए का तो मेरा 80 रुपए का होगा, तो यार लोग बक्के आएंगे मेरा चिकन खाने के लिए। देख रहे हो भाई साहब एकदम फ्रेश चिकन है बिल्कुल मस्त वाला। तो गाइस यार मेरे को लग रहा है कि आज आदमी तुम्हारा भाई करोड़पति जरूर बन जाएगा, क्योंकि क्या बिजनेस आइडिया आता है तुम्हारे भाई के दिमाग में बिल्कुल तेल तरीके से, मजा आ जाता है भाई सही। चलो वेट करते कस्टमर्स का। अरे मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्रेविंग हो रही है, कहीं पर चिकन मिल जाए खाने के लिए मजा आ जाएगा। अरे एक सेकंड, वहां पर कोई ठेला सा लगा हुआ है। ओह माय गॉड, ये ठेला किस चीज का है? अरे भाई साहब क्या बेच रहे हो? मैडम जी चिकन बेच रहा हूँ मैं। क्या चिकन बेच रहे हो? अरे मेरे को बहुत तेज भूख लगी है, तुम्हारी दुकान का सबसे बड़ा चिकन दो ना। है सबसे बड़ा चिकन? हाँ। सबसे महंगा होगा वो? मैडम जी बहुत महंगा है, मेरे पास एक ऐसा डायनासोर लेग पीस भी है, बहुत बड़ा होता है वो, और उसकी कीमत बहुत ज्यादा महंगी होगी, ठीक है ना। अरे कोई बात नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा अमीर है, वो 5 मिनट में आता ही होगा, इतने में आप बना लो मेरा लेग पीस। ओके ओके। तो गाइस यार यहाँ पर मेरे को पहला ही कस्टमर जो मिला है वो लड़की मिली है, ऊपर से मेरी दुकान का सबसे बड़ा लेग पीस मांग रही है, वो बहुत ज्यादा महंगा है सही। चलो यार बनाना स्टार्ट करता हूँ, लेट्स गो गाइस। अरे ये सोम प्यारी मेरे को यहीं पर बुला रही थी, दिखाई तो मेरे को कहीं पर दे ही नहीं रही है। ओए सोम प्यारी कहाँ पर है? अरे इधर आ जाओ येरी में। अरे मिल गई सोम प्यारी। अरे सोम प्यारी क्या कर रही है? अरे मुझे भूख लग रही थी, चिकन लिया है। अच्छा अच्छा चिकन लिया है तूने, ये तो बहुत बड़ा लेग पीस लग रहा है, इसकी पेमेंट कर दीजिए जी। हाँ हाँ बिल्कुल कर दूंगा, इसकी पेमेंट कोई दिक्कत थोड़ी है, कितना बड़ा लेग पीस है सही, क्या मस्त दुकान है। अरे भाई साहब किसकी दुकान है, बाहर आ जाओ, तुम्हारी पेमेंट कर दूं, हमें जाना है, लेग पीस को गाड़ी में पटक लेंगे। हेलो भाई साहब। हाँ आया आया। हाँ भाई साहब एक सेकंड, सिंचन तू? अरे समझ गया तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये मेरी दुकान है और ये लेग पीस मैंने दिया मोहतरमा को। अरे ये लेग पीस नहीं चाहिए हमें। अरे क्यों क्या हो गया? अरे ये आदमी बड़ा गंदा दिख नहीं रहा, कितना काला, इसका लेग पीस खाओगी तुम? अरे मेरा लेग पीस थोड़ी है, चिकन का लेग पीस है। अरे हमें नहीं चाहिए तुम्हारी दुकान का घटिया लेग पीस, ठीक है ना, हम ऐसे बिल्कुल इम्पोर्टेड चीजें खाते हैं सुमित भैया, ठीक है ना, और अपना लेग पीस वापिस रख लो। अरे कैसे कैसे, तुमने बनवा लिया ना? अरे जब नहीं चाहिए एक बार बोल दिया। अबे ऐसे कैसे, मैंने मेरी दुकान का सबसे बड़ा चिकन लेग पीस दिया है तुम लोगों को, पता है कितना महंगा है, और तुम लोग सब वेस्ट कर रहे हो। अरे जब नहीं चाहिए, जब हमने एक बार बोल दिया। सिंचन यार ऐसा मत कर, मैं कंगाल हो जाऊंगा, मेरी दुकान का सबसे बड़ा लेग पीस मंगवाया तुम लोगों ने और ये मेरी दुकान का पहला दिन है। अरे तो हमें क्या लेना देना तुम्हारी दुकान का पहला दिन हो या दूसरा दिन, हमें नहीं खाना। गाइस यार ये लोग तो मेरे ख्याल स्कैम कर गए। अरे सॉरी। अबे काय का सॉरी, ओए अपना चिकन लेग पीस लेके जा। अरे क्या कर रहे हो, गाड़ी ठोक रहे हो? अरे वो आदमी इतना ज्यादा मनहूस है, उसकी शिकल देख के मेरे को गुस्सा आ जाता है सेमी बहुत तेज। गाइस 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 ये क्या हो गया भाई यार, ये तो बहुत ज्यादा गलत हो गया तुम्हारे भाई के साथ। असल में मैंने मेरी दुकान का सबसे बड़ा लेग पीस निकाला था और इसकी कीमत पूरे के पूरे 1.5 लाख रुपए है यार, ऐसे नहीं हो सकता यार, यार मेरी तो पूरी दुकान लुट गई। ओह माय गॉड मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, मेरे को भाड़ा भी देना है, मैंने लोन भी ले रखा है यार, 1.5 लाख रुपए की कमाई एक बार में चली गई। भाई दिन में 10-20 हजार रुपए पूरे कमाता और यहाँ पर एक बार में 1.5 लाख रुपए का फटका लग गया यार। वो लड़की बहुत ज्यादा मतलब ही यार, सिंचन के बच्चे तेरी ऐसी तैसी तूने मुझे बर्बाद कर दिया। गाइस यार मैं क्या करूं, मैं तो लॉस में चला जाऊंगा, अब क्या करूं मैं। हल्को बहुत तेज भूख लगी है, हल्को कुछ ऐसा चाहिए जिससे हल्का पेट भर जाए एक बार में। हाय हल्को भूख लगी है, अरे भाई सब कुछ खाने को दे दो। अरे सुमित हल्को कुछ खाने को दो ना। अरे हल्क हल्क तू यहाँ क्या कर रहा है? हल्को भूख लगी है, चिकन लेग पीस दे दो। अबे हल्क यार ये 1.5 लाख रुपए का है, हल्क के पास 1 रुपया भी नहीं है, हल्क नहीं लेगा इसे। अबे यार क्या करूं, मेरे को नहीं लगता कोई इसे खरीदने आने वाला है और 20 से 25 मिनट के अंदर ये लेग पीस खराब हो जाएगा। हल्क यार तू चल फ्री में खा ले। हल्क को भूख लगी है, शुक्रिया सुमित तूने हल्क को फ्री में लेग पीस दिया। अब मैं देना तो नहीं चाहता था पर मैं कुछ नहीं कर सकता, खाना को बिगाड़ना तो चाहता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, अगर खाना बिगड़ गया तो वैसे ही पाप लगेगा और मैं अकेला इसको खा भी नहीं सकता और ना ही से कोई खरीदने आने वाला है क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा है। मैं क्या करूं, मैं बर्बाद हो गया। हल्क रो मत, हल्क खाएगा, नम 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 नम, मजा आ गया, बड़ा डिलीशियस था। मैं क्या करूं हल्क, मैं बर्बाद हो गया। हल्क क्यों बर्बाद हो गए तुम सुमित? अरे यार क्या ही बताऊं तेरे को, हल्क के साथ आ जाओ। कहाँ लेके जा रहा है मुझे? हल्क तेरे को आबाद करेगा। कहाँ पर? हल्क एक खतरनाक वाला रैंप चैलेंज में पार्टिसिपेट करने वाला है, टोनी स्टार्क एक बड़ा वाला रैंप चैलेंज करवाएगा, अगर तू उसमें जीत जाता है तो तू भी करोड़पति बन जाएगा। ये गाड़ी किसकी है? ये हल्क की गाड़ी है।
हल्क ये तो बहुत ही महंगी गाड़ी है, अगर तेरे को भी ऐसी गाड़ी चाहिए तो तुझे बस वो रैंप चैलेंज जीतना है और फिर तू भी हल्क की तरह करोड़पति बन जाएगा और फिर तेरे को रोने की जरूरत नहीं है और साथ में तेरी चिकन लेग पीस की दुकान को भी बंद कर सकता है तू। शुक्रिया हल्क, तू मेरी मदद कर रहा है। हल्क को तूने खाने के लिए फ्री में चिकन लेग पीस दिया, वो भी सबसे बड़ा वाला, तो हल्क तेरी मदद करेगा। तो चलो गाइस यार, हल्क यहाँ पर मेरी मदद कर रहा है, मेरे को कोई रैंप चैलेंज में लेके जा रहा है, अगर वहां पर मैं जीत गया तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। अब ये तो टोनी स्टार्क का घर है ना, हल्क ने बताया तो वो रैंप चैलेंज टोनी स्टार्क ही करवा रहा है और तुम्हें पता ही है कि हल्क का दोस्त टोनी स्टार्क कितना बड़ा बिलियनियर है। हाँ यार, टोनी स्टार्क के पास तो सही बहुत ज्यादा रुतबा है और बहुत सारा पैसा है, इसलिए हल्क तुम्हें टोनी स्टार्क के पास लेके जा रहा है। ओके तो गाइस यार, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो भाई, मैं अब जा रहा हूँ टोनी स्टार्क के पास और टोनी स्टार्क कोई खतरनाक वाला रैंप चैलेंज करवाने वाला है, अगर तुम्हारा भाई उसके अंदर जीत जाता तुम्हारे भाई की लाइफ चेंज हो जाएगी। चलो आ जाओ हल्क के साथ। ओके तो गाइस यार, प्लीज यार मेरे को बस ये रैंप चैलेंज के अंदर ले ले। हल्क आ गया। अरे कहाँ रह गए थे, कितना वेट करा रहे हो यार हल्क, तुम्हें पास पार्टिसिपेट करना है नहीं करना है? अरे भाई साहब, मुझे भी करना है पार्टिसिपेट। अरे ये कौन, अरे सुमित तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और यहाँ पर वुल्वरीन और सुपरमैन क्या कर रहे हैं? वुल्वरीन को जीतना है। अरे तो मतलब तुम चार लोगों को रैंप चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है और जीतेगा तुम में से कोई एक? मुझे जीतना है। अरे वुल्वरीन भी तो जीत सकता है। हाँ हाँ, वुल्वरीन भी जीत सकता है। हल्क को भी जीतना है। हाँ हल्क तुम भी जीत सकते हो, जो कोई भी जीतेगा उसे मिलेगा बहुत सारा पैसा। अरे सुपरमैन भी तो जीत सकता है। हाँ सुपरमैन तुम भी जीत सकते हो, कोई भी जीत सकता है यहाँ पर, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट होगा उस रैंप चैलेंज को कंप्लीट करने का तो तुम जरूर जीतोगे। हल्क को नहीं खेलना, हल्क को नहीं खेलना। ठीक है हल्क तुम मत खेलो, पर तीन लोग तो यहाँ पर खेलने के लिए तैयार है, सुपरमैन, वुल्वरीन और साथ में है सुमित। अरे मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को घर बनवाना है मेरा। हाँ, अरे बनवा लियो अपना घर, पहले देखते हैं यहाँ पर जीतता कौन, उसे तो मिलेगा पैसा। तो तुम तीनों लोगों का स्वागत है आज के खतरनाक वाले रैंप चैलेंज के अंदर। तो सुपरमैन तुम क्या करोगे इन पैसों से? अरे मैं बता रहा हूँ, मैं तो इनसे बढ़िया वाला घर खरीदूंगा। और वुल्वरीन तुम क्या करोगे? मैं इन पैसों से अपने सोने के दांत बनवाऊंगा। और सुमित तुम क्या करोगे? भाई साहब मेरे को ये पैसा चाहिए, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मेरे को लोन चुकाना है वरना घर पे आ जाएंगे पुलिस वाले। हाँ तो तुम्हें यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले तुम्हें यहाँ से वाटर स्लाइड से स्लाइड करते हुए नीचे जाना है, ध्यान रखना कहीं तुम बाहर ना निकल जाओ। उसके बाद यहाँ पर स्विम करके यहाँ पहुंचोगे, यहाँ से एक गाड़ी लेनी जो भी तुम्हें अच्छी लगे, और उसके बाद यहाँ से ढिचक ढहिया ढिचक पहिया करते जैसे तुम्हारे समझ में आए करते जाना है फुल स्पीड में यहाँ से, और उसके बाद तुम पहुंचोगे यहाँ पर राइट और लेफ्ट दोनों में से चूज करके लेफ्ट लेके तुम्हें नीचे जाना है, और आखिर में जो यहाँ पहुंचेगा वो जीतेगा करोड़ों में पैसे। कितने? 5,000 करोड़ रुपए। क्या 5,000 करोड़? हाँ कम है क्या? अबे नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है भाई, 5,000 करोड़, ओ माय गॉड, दिस इज टू मच। अरे तो सबसे पहली बारी मेरी है। ओके तो गाइस यार, यहाँ पर सबसे पहले जो जा रहा है वो सुपरमैन है। अबे सुपरमैन तेरे पास तो सुपर पावर्स है, तेरे को किस लिए चाहिए पैसे? अरे टिच की टैया, ये मैं चला भैया। गाइस यार यहाँ पर ये चला सुपरमैन, ओ तेरी जय, क्या मस्त तरीके से उड़ा है सुपरमैन, बड़ा गिरा भी मस्त तरीके से है। अरे चलो अब मेरे को कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? अरे मेरे को गाड़ी कम चलानी आती है, पर ठीक है मैं चला लूंगा। ओके तो गाइस यार यहाँ पर इतनी सारी गाड़ी है, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं कौन सी लेके जाऊंगा। अरे टुचकी टुईया, मैं तो ये वाली लेके जाऊंगा। ओके तो गाइस यार यहाँ पर ये मिलिट्री ग्रेड वाली कोई एक व्हीकल लेके जा रहा है, भाई ये तो काफी ज्यादा कैपेबल है यार ऑफ रोडिंग के लिए। टुचकी टुईया, ये मैं चला भैया। ओ भाई ये चला, अरे ओए गाइस यार ये तो डिस्क्वालीफाई हो गया मेरे हिसाब से। अरे नहीं नहीं डिस्क्वालीफाई थोड़ी हुआ हूँ। अबे तू रैंप पे से नीचे गिर गया, तू ये डिस्क्वालीफाई तो माना गया। अरे नहीं नहीं भैया, हम वापस भी तो जा सकते हैं। गाइस यार ऐसे तो कभी कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा, अगर तुम आगे से गिरोगे तो डिस्क्वालीफाई भी तो हो जाओगे। डिस्क्वालीफाई होता है डिस्क्वालीफाई नहीं होता वो, ठीक है ना, पहली बात पढ़ गया अनपढ़। अरे मेरे को मत सिखाओ ठीक है ना। अबे ये क्या है भाई साहब, घूमती हुई पंखड़ी, अगर इसमें गलती से गिर जाता तो ये क्या होता, मेरी गाड़ी का कचुम्बर निकल जाता। अबे भाई ये बोल इसको टकरा जाए मजा आ जाए। अरे यार नहीं टकराई यार, पता नहीं निकल गया, इसका भी अच्छा लगा सही में। ठीक है। ओ भाई साहब अगर ये यहाँ पर जीत गया तो 5,000 करोड़ रुपए इसको मिल जाएंगे, और फिर तुम्हारे भाई का क्या होगा? और यार मेरे को तो लोन भी देना है यार, क्योंकि वो दुकान जो मैंने खोली थी वो बैंक वालों से लोन लेके खोली थी, मेरे पास थोड़ी कोई इतने पैसे कि मैं इतनी मस्त वाली दुकान खोल लूं। ऊपर से वो सिंचैन के बच्चे ने मेरे साथ जो स्कैम किया उसकी गर्लफ्रेंड ने। अरे कुछ भी स्कैम करो या कुछ भी करो, पर ये पैसे तो मेरे ही होंगे। अबे यार मान जा यार, सुपरमैन तेरे पास सुपर पावर्स है यार, कुछ अच्छा काम कर ले, जाके पैसे कमा ले यार, इनको छोड़ देना।
अरे जीतूंगा तो मैं ही, बस तू देखता जा। गाइस यार ये कर क्या रहा है, अब जा ना आगे, भूतनी के टक्कर मार रहा हूँ पागलों की तरह, जल्दी करना, मेरा मेरी बच्ची आई जल्दी सी। अरे इतनी ज्यादा जल्दी तो पहले क्यों नहीं गए? अबे तू चला गया ना मुझसे पहले। अरे ये देख ये वाला गिर गया नीचे। अबे अब क्या करना, यहाँ पर सामने समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। कुछ नहीं, चलता रहा बस सीधा। आए ये क्या, आपकी बार लगता है सही में डिस्क्वालीफाई हो गया। ओ नो, मेरी गाड़ी बंद हो गई, मतलब मैं डिस्क्वालीफाई हो गया क्या? हाँ, इस बार तुम डिस्क्वालीफाई हो चुके हो, तुम्हारी गाड़ी काफी ऊंचाई से नीचे गिरी है। अरे टुचकी टुइया डूब गया मैं तो भैया, अब मेरी बारी है। ओके तो गाइस यार अब जा रहा है वुल्वरीन, और मैं इस बार बहुत तेज जाऊंगा, ये देखो। ओ भाई साहब देख रहे हो कैसे क्रॉस पोजीशन में टांगे करके यहाँ पर वुल्वरीन जा रहा है। और ये भाई साहब वुल्वरीन तो काफी ज्यादा लंबा उड़ा है यार, ये मजा आ गया। ओके भाई साहब वुल्वरीन तेरे को किस लिए चाहिए पैसे यार? तू तो यार किसी भी होटल में काम कर सकता है, सब्जी काटने का काम कर ले यार भाई, काफी अच्छे पैसे उसके अंदर। ए तू काट लेना। अबे मेरे पास तेरी तरह खतरनाक और एक क्लोज नहीं है भाई वाइब्रेनियम के। है ये कोई मार्वल नहीं है, ठीक है जो वाइब्रेनियम के होंगे मेरे क्लोज। ओके ओके ठीक है ठीक है। गाइस तुम लोगों को पता है अगर कि जो अपना वुल्वरीन है उसके जो क्लोव्स है, बोले तो इसके हाथों में जो कांटे हैं वो कौन से मटेरियल के बने हुए हैं, मतलब कौन से मेटल के बने हुए हैं? अगर तुम लोग एक प्योर मार्वल फैन हो, तुमने सारी वुल्वरीन की मूवीज देखी है, तो तुम मुझे बता सकते हो कि इसके जो हाथ में नुकीले चाकू जैसे कुछ है वो किस चीज के बने हुए, बताना मेरे को, किसी को पता हो तुम। देख मैं कैसे जीतने वाला हूँ। हाँ देख ही रहा हूँ मैं। गाइस यार ये काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है देखा जाए तो सुपरमैन से, क्योंकि यार ये कितनी स्पीड से चलता जा रहा है। ओ यो यो यो, इसकी गाड़ी पलट गई, ये भी यहाँ पर नीचे गिर सकता है। प्लीज यार अगर ये नीचे गिर जाए तो मजा आ जाए यार, गिर जाना नीचे। हे तू भक्का क्यों लगा रहा है भूतनी के? अब भक्का नहीं लगा रहा हूँ, और वापस तू पीछे क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जंप लेनी है, मुझे सब पता है। अरे गाइस यार इसको भी पता है कि यहाँ पर इस रैंप चैलेंज को कंप्लीट कैसे करना है, फुल पावर से जानी चाहिए गाड़ी। ये देख इसको भी नीचे गिरा दिया, अब यहाँ से घुमाऊंगा फुल स्पीड में। गाइस यार ये असल में पुराने जमाने वाली जीप लेके आया है, बोले तो थार नहीं, इसको थार नहीं बोलेंगे, जीप ही है। ओके तो गाइस यार यहाँ पर ये जा रहा है, देखते कि यार क्या कर पाता है। अगर ये जीत गया तो भाई साहब सही बहुत बुरा होगा तुम्हारे भाई के पास। हे ये मैं चला, और ये देख मैंने कंप्लीट भी कर दिया। गाइस यार ये तो गलत बात हो गई। गाइस नहीं 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 नहीं, ओए शाबाश शाबाश, थोड़ा सा ये चलो तो चला तो रु 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 रु, ओ बेटे। गाइस यार इसने तो रॉन्ग टर्न ले लिया और इसकी भी गाड़ी की बैंड बच गई। हे जीप कहीं से भी कूद जाए, जीप नहीं टूटेगी। अरे लेकिन तुम यार डिस्क्वालीफाई हो चुके, इसका मतलब ये नहीं तो पूरा फिर से करोगे। देखो अब तुम वहाँ पर वापस जा भी नहीं सकते वुल्वरीन, तो तुम भी डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। अरे मैं कर दूंगा चुप रहने स्टाक के। ये कैसे बात कर रहे हो, जाओ पानी में डूब मरो चिल्लू भर पानी में। इस बार डिस्क्वालीफाई हो गया मैं, अरे मम्मी बचाओ। अरे सुमित अब तुम्हारी बारी है, तुम तो कोई सुपर हीरो भी नहीं हो, ना ही तुम्हारे पास कोई सुपर पावर्स है। मुझे नहीं लगता कि तुम जीत पाओगे जब यहाँ पर सुपर हीरोज नहीं जीत पाए। अब भाई साहब सुपर हीरोज रहे मेरी जूती पे, ठीक है मैं उस सबसे खतरनाक। ओ तो गाइस ये क्या, पैर मुड़ गया, हाय दर्द हो रही है मैया मर को। गाइस यार मेरा पैर मुड़ गया स्लाइड के ऊपर, अरे मैं बाहर तो नहीं निकल जाऊंगा। ओ बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहा तुम्हारा भाई, हो गया पैर सीधा हो गया, डिंग 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 डिंग, स्लाइड करने की निंजा टेक्निक, और मैं इतना ज्यादा स्लो क्यों होता जा रहा हूं? ओ भाई ये क्या, ओ भाई सब सीधा पानी में गिरा जाके। ओए कम से कम मेरे लगी नहीं, सही है मैंने ये वाली स्लाइड चूज की, क्योंकि यार वो लोग तो सुपर हीरोज थे, वो जमीन पर भी गिरे उनको कुछ नहीं हुआ, पर अगर तुम्हारा भाई जाके जमीन पे गिरता ना तो टांग वांग टूट जाती है और भाई लेने के देने पड़ जाते। सही है मैंने सेकंड वाली स्लाइड चूज की जहां पर पानी था, इसलिए तुम्हारे भाई का कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग तो सुपर हीरोज है यार, उनको तो छत पे से फेंक दो, बिल्डिंग में से गिरा तो कुछ नहीं होगा यार, तुम्हारा भाई तो एक मामूली इंसान है ना। और भाई साहब मेरे हिसाब से मैंने बिल्कुल अच्छी चॉइस की है ये वाली गाड़ी लेके, क्योंकि इसके अंदर काफी अच्छी पावर है यार उन गाड़ियों से, वो गाड़ी जो वो लेके जा रहे थे। ओ भाई साहब सामने दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, इस साइड से लेता हूं। ओ बच गया भाई साहब, बार बार बचाऊं, विंडमिल की पंखड़ी मेरे पीछे ही थी। ओके भाई साहब बिल्कुल गाड़ी धीरे नहीं करनी है, फुल स्पीड में बचा बुचू के पहुंच तो जाऊंगा बेबी। ओ शाबाश, वो पहुंच गया बिल्कुल परफेक्ट। तो गाइस यार मेरे को लेना राइट टर्न, क्योंकि यार उसने लेफ्ट टर्न लिया तो उसने गलती कर दी थी। ओके भाई साहब बिल्कुल परफेक्ट, हमने राइट टर्न भी ले लिया है, और ये एकदम बढ़िया, क्या मस्त गाड़ी यार, बिल्कुल मक्खन माफी की है। देखो भाई मैं जीत गया, ओ बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। गाइस यार मतलब वो 5,000 करोड़ रुपए का इनाम तुम्हारे भाई को मिलता है। अरे कांग्रेचुलेशन सुमित, मुझे लगा नहीं था तुम जीतोगे। ओ बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, नाचो नाचो।
अरे सुमित कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें मिलते हैं पूरे के पूरे 4,000 करोड़ रुपए। हैं? 1,000 करोड़ कहाँ से ले गए? अरे उससे तुम पूरे लॉस सैंटोस के जितने भी बर्गर के रेस्टोरेंट है वो आज से तुम्हारे। यार मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है जो तुम्हें सारे दे दूं। अच्छा, मतलब जितने भी बर्गर रेस्टोरेंट है लॉस सैंटोस के अंदर वो सारे मेरे हाथ से। हाँ एकदम सही सोचा तुमने, सुना मतलब। चलो मैं चलता हूँ, बाय। तो गाइस यार ये देखो, तुम्हारे भाई ने कपड़े वपड़े पहन लिए मस्त वाले, यहाँ पर पीछे डीजे के पीछे रखे थे, उठा लिए। और गाइस यार ये देखो, बैटमैन की बहुत कम एडिशन वाली गाड़ी मंगाई है। ये सिर्फ दो गाड़ी है पूरे लॉस सैंटोस में, एक बैटमैन के पास और एक मेरे पास। देख रहे हो क्या मस्त लग रही है गाड़ी, बैटमैन कार है यार ये। मस्त भाई, मजा आ गया ये गाड़ी चला के। तो चलो गाइस यार अब एक काम करता हूँ, मैं जल्दी चलता हूँ अपने पास वाले खतरनाक वाले बर्गर वाली दुकान पर, वहाँ पर जाके बर्गर खाता हूँ जाके। मैंने वो वाली गाड़ी अपने घर पर पार्क कर दी और ये वाली गाड़ी ले ली है, क्योंकि ये वाली गाड़ी मुझसे उससे ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। देख रहे हो स्काई ब्लू प्लस में व्हाइट कलर का क्या कॉम्बिनेशन है, कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है यार, एकदम पॉपी लग रहा है यार। और इस गाड़ी की कीमत सुनोगे ना भाई, इस गाड़ी की कीमत है 80 करोड़ रुपीज, समझ रहे हो, 80 करोड़ रुपए की गाड़ी है ये। और यार तुम्हारे भाई ने कपड़े भी चेंज करे हैं, मस्त वाले सनग्लासेस लगाए हैं। तो यार ये अपनी पहली ब्रांच है, मतलब लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी ब्रांच है अपनी बर्गर किंग की। चलो भाई अंदर चलते हैं। अरे सर आइए आइए। हाँ आऊंगा, ये मेरी दुकान है। चलो भाई साहब अपने लॉस सैंटोस के बर्गर की दुकान का सबसे बड़ा बर्गर लगा दो। हाँ सर क्यों नहीं, अभी लगाता हूँ, बैठिए आप। हाँ बैठूंगा, मेरी दुकान है, मैं कहीं भी बैठू कहीं ना बैठू, मस्त दुकान है यार, सेमी काफी बड़ी दुकान है, कस्टमर्स कहाँ पर है? अरे सर अभी खोली है दुकान, थोड़ी देर में आते ही होंगे कस्टमर्स। अरे चलो मुझे बर्गर खाना है। हाँ क्यों नहीं, चल तेरे को सबसे मस्त वाली दुकान पे लेके चलता हूँ। ये देख लॉस सैंटोस की सबसे मस्त दुकान है बर्गर की। ओ माय गॉड, ये गाड़ी किसकी है, क्या ब्यूटी है सैमी, क्या मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। और क्या, गाड़ियाँ तो सैमी होती ही सुंदर है। अरे काश ऐसी गाड़ी मेरे पास होती, देखो मेरी टी शर्ट से बिल्कुल मैच कर रही है, मस्त लग रही है एकदम गाड़ी मेरी तरह। चलो गाइज यार अब अंदर चलते हैं, बर्गर शर्ट पे बर्गर के शॉट्स मारते हैं। अरे बर्गर वाले बढ़िया। अरे एक सेकंड, अरे सुमित भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अच्छा तुम यहाँ पर बर्गर वाली दुकान पर काम करते होगे ना, क्योंकि तुम्हारी लेग पीस वाली दुकान को तो मैंने तबाह कर दिया है। सुमित भैया तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। अरे ये तो वही है ना। अरे इसके साथ बहुत बुरा हुआ, बेचारा बर्गर की दुकान पर बर्गर साफ करता है। अबे तुम लोगों को क्या लग रहा है मैं यहाँ पर बर्गर साफ करता हूँ? अरे बर्गर बनवाओ, उस भिखारी के मुंह क्या लग रही हो? अरे अरे चल क्या रहा है यहाँ पर? अरे सर क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, हमारी दुकान पर कुछ लोग बर्गर खरीदने आए हैं। अच्छा अच्छा, क्या फिर क्या कर रहे हो सर? आपको इनको बर्गर नहीं देना है? हाँ मैडम जी, सर आप यहाँ से जाइए, हमें आपको बर्गर नहीं देना है। क्यों, ये तुम्हारी दुकान है ना, इसकी थोड़ी है। अरे हमारे बड़े सर है, हमारे मालिक है, जो ये कहेंगे वही होगा इस दुकान के अंदर, तुम्हें बर्गर नहीं मिलेगा। क्या सुन लिया सिंचन अब तूने? ऐसे में भाई तुम्हारी दुकान कैसे है? सिंचन मैं एक बहुत बड़ा वाला करोड़पति बन चुका, और जो बाहर गाड़ी खड़ी है ना जिसके आसपास तू घूम रहा था वो मेरी है, चल यहाँ से अब। समेत भाई क्यों मार रहे हो? तुम लोगों की ऐसी तैसी मेरी दुकान में आके मेरी बेइज्जती करते हो, ये ले। सिंचन ओके। तो गाइस यार यहाँ पर इन दोनों को ठिकाने लगा दिया तुम्हारे भाई ने, मजा आ गया यार, मैंने मेरी बेइज्जती का बदला ले लिया। जो इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया था ना भाई साहब, मेरे को कर्जे में डाल दिया था इन लोगों ने, वो तो सही है, मैंने वो रैम चैलेंज जीत लिया, वरना आज तुम्हारा भाई बर्बाद हो जाता। तो गाइस यार मजा ही आ गया आज तो, सही में क्या मेरी लाइफ चेंज हुई है। तो गाइस यार अगर आप लोगों को भी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक कर देना, चैनल पर पैर बाल भूल बट के तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे इसको नए वीडियो में नए स्टोरी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।